गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस समय बज रहे हैं शाम के 5 और यहाँ मैं चाय के साथ बना रही हूँ सैंडविच, क्योंकि आलू रखा हुआ था मैश किया हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो आलू को रेडी कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ बनाते हैं सैंडविच। और उस दिन मैंने बर्गर के लिए ब्रेड मंगवाया था, तो ब्रेड बचे हुए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बना देती हूँ। तो यहाँ मैं सैंडविच बना ली हूँ और अब मैं यहाँ चाय छानने जा रही हूँ और मम्मी डैडी को सर्व करने जा रही हूँ, और उसके बाद हम भी चाय पियेंगे और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक भी कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्योंकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड बहुत सी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे क्या होता है कि जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यहाँ देखिए, मैंने सैंडविच रेडी कर लिया है और बस यहाँ मैं जा रही हूँ मम्मी और डैडी को चाय देने के लिए, उसके बाद मैं भी चाय पीऊँगी। तो इन दोनों चाय में एक है विदाउट शुगर चाय, एक चाय है मतलब अदरक वाली डैडी के लिए अलग से। तो बस मैं कन्फ्यूज ना हो जाऊँ तो इसलिए मैं याद रखती हूँ कि कौन सी चाय किसकी है। तो हम लोगों ने चाय पी ली थी और उसके बाद सबको बहुत तेज़ से भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज डिनर जल्दी से बना लेते हैं। तो मैं डिनर में बना रही हूँ तहरी, तो उसके लिए मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा सा जीरा इसमें डाला है ताकि जीरा अच्छे से मतलब जल जाए, मतलब अच्छे से तड़क जाए। तो उसके बाद मैंने लहसुन को कूट के रखा हुआ था क्रश करके, तो मैंने लहसुन इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ डालूँगी खड़ी लाल मिर्च और उसको अच्छे तरीके से मैं भूनूंगी। तो और यहाँ पे मैंने कटे हुए प्याज को मैंने इसमें डाल दिया है, उसके बाद उसको अच्छे तरीके से भूनूंगी जब तक हमारा प्याज जो है ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। वैसे अगर जल्दीबाजी में आपको डिनर बनाना है और भूख लगी हो तो इससे बड़ा मतलब जल्दी कोई भी खाना नहीं हो सकता है, तो बस इसीलिए मैंने बना दिया, क्योंकि दिन भर आज काम लगा हुआ था, सबको भूख भी काफ़ी तेज़ लग गई थी क्योंकि मॉर्निंग से ही काम लगा हुआ था और मम्मी डैडी काम करवा रहे थे और वहीं पे मतलब बैठ के बताना होता है कि यहाँ ये चीज़ करना है, यहाँ ये चीज़ करना है, तो भी सबको समझ में आता है मिस्त्री लोगों की कहाँ क्या करना है। तो उसी में उन लोगों को जाते जाते बज गया था शाम के 6:30-7 बज ही जाते हैं, तो बस वो लोग चले गए। उसके बाद फटाफट मैंने सोचा कि चलो यही बना देते हैं, सबको भूख काफ़ी तेज़ लगी हुई है क्योंकि चाय ही सबने पिया था। तो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है, इसको अच्छी तरीके से मैं सारे मसालों को इसमें डालूंगी और मतलब थोड़ा थोड़ा सारे मसाले डालूंगी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर सब मैंने डाल दिया है। फिर इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी और जब अच्छे से मसाला भून गया तो मैंने उसमें डाल दिया है आलू। आलू को अच्छी तरीके से भूनने के बाद मैंने चावल को धुल के रखा था राइस को, और उसके बाद मैं इसमें मैंने ऐड कर दिया है राइस को, उसके अच्छी तरीके से भूनूंगी। आप इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास मटर है, गोभी है, तो ये सब चीज़ें सब्जियां भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी इस समय मेरे पास ये सब्जियां अवेलेबल नहीं थी और घर पे बहुत ज़्यादा काम लगा हुआ है तो किसी को इतना टाइम नहीं हो पा रहा है, तो बस जो था मैंने उसी में बना दिया है तहरी। और ये वाला ब्लॉग आपको हो सकता है कि आज मिल जाए और या फिर कल मिले, तो बस यहाँ मैंने नमक डाल दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और पानी में इसमें ऐड करूँगी अंदाज के हिसाब से, और कुकर को कर देंगे बंद और तहरी को पकने देंगे। तो चलिए थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, तो अभी जस्ट मैं डिनर बना के आ रही हूँ और रियली बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये देखिए बहुत सारे सामान यहाँ फैला रखा हुआ है, अभी बहुत सारे सामान को समेटना है। वो इसलिए कि अभी टाइल्स लग चुका है लेकिन अभी पेंट नहीं हुआ है, तो अभी पेंटिंग होगी, उसके बाद सफाई होगी, तब जाके सारे सामान क्लीन कर करके हम लोग वहाँ रखेंगे। मैंने इस रूम को क्लीन किया है, क्लीन मतलब झाड़ू और पोछा किया है। तो ये देखिए बहुत सारी मिट्टी आ जाती है, तो यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया ताकि यहाँ हम लोग अच्छे तरीके से सो सकें। और यहाँ हम लोग एक दरी बिछा लेते हैं या कोई गद्दा बिछा लेते हैं, उसी पर चादर डाल के हम लोग यहीं पर सो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि और कहीं जगह ही नहीं बची है कि कहीं हम लोग लेट्स भी सकें, कोई भी सामान रख सकें, कोई भी ऐसी जगह नहीं बची हुई है। और अभी मैंने आप लोग को नहीं दिखाया है कि कैसे मतलब टाइल्स का मतलब लग चुका है, तो चलिए मैं आप सबको दिखा देती हूँ कि टाइल्स लग चुका है और किस तरीके से किस कलर का लगा हुआ है। तो आपने कल वो वाला रूम देखा था, ये है मेरा रूम और ये भी क्लीन मतलब सॉरी यहाँ पे भी टाइल्स लग चुका है जहाँ तक है, और बस अब यहाँ पे पेंटिंग बाकी है, तो अब हमें लगता है वो कल ही लगेगा पेंटिंग।
मतलब पोताई लगेगी। तो ये देखिए, ये पे यहाँ पे इस कलर का टाइल्स है और सब अच्छे से क्लीन हो जाएगा ना, सब सामान वगैरह सेट हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा सेम इस कमरे में। चलिए मैं जल्दी से डिनर कर लेती हूँ और सबको भी सर्व कर देती हूँ और उसके बाद आप सबसे बातें करती हूँ। तो फ्रेंड्स, डिनर रेडी है मेरा और मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए और मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप सबसे। आइए आप सब भी कर लीजिए। तो जस्ट मैं अभी डिनर करके आ रही हूँ और ये मैं अपने रूम में खड़ी हूँ, ये देखिए जहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है। तो अभी जस्ट मैंने भी डिनर किया है और सबको भी मैंने डिनर दे दिया है और श्रीयम जग रही हैं। और अभी हम लोग का रूम चेंज हुआ है ना, तो वो उसको नींद नहीं आती है, उसको इसी रूम में नींद आती थी, तो वही बस दिक्कत हो जाती है। वो कभी 1 बजे सोती है, कभी 1:30, कभी 2, ऐसे ही रात में वो लेट नाइट कर ही देती है। तो बस चल रही हूँ उसको सुलाने के लिए। और मुझे वीडियो एंड करना था और बाहर बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसी रूम में आके मैं एक वीडियो का एंड कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा ये देखिए, कैसे सब फैला हुआ है। बड़ा टाइम लगने वाला है क्लीनिंग में, ये तो पक्का है, कमर तोड़ मेहनत लगने वाली है। अब शुरू होने वाला है सफाई अभियान, वो हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस मतलब पेंट हो जाए रूम में, दोनों रूम में पेंट अच्छे से हो जाए, उसके बाद हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लीनिंग करके सारा सामान अच्छे से सेट कर देंगे। जो मेरे वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया था, तो उसके लिए इन्होंने वीडियो तैयार कर लिया है, तो मैं इस ब्लॉग में उसको ऐड कर दूंगी, आप सब देख लीजिएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो आपकी फ्रेंड इंडियन इंडियो पर आकांक्षा जी के चैनल पर कई वीडियोस में कॉपीराइट क्लेम आया हुआ था, उसे रिमूव कैसे किया जाता है, छोटा सा ये एक ट्यूटोरियल है, मैं आप लोगों को भी शेयर करना चाहता हूँ। अगर किसी के साथ इस तरह का कोई क्लेम आ गया है तो वो रिमूव कर सकता है इजिली बिना किसी की मदद से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए काफी ज्यादा ये आपको दिख रहे होंगे, 7-8 वीडियोज में इनके पुरानी वीडियोज में क्लेम आया हुआ है, ये देखिए। जब इसको रिमूव करने का एक तरीका ये होता है कि जैसे जहाँ पर कॉपीराइट क्लेम लिखा हुआ है उस जगह पर जब आप कर्सर अपना लेकर के जाएंगे, अच्छा ये काम करने के लिए आपको लैपटॉप की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप जब यहाँ पर ये कॉपीराइट क्लेम लिखा हुआ है, कॉपीराइट क्लेम के ऊपर ये जो पॉपअप आ गया है, इसमें जो सी डिटेल्स दिख रहा है, सी डिटेल्स में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, ये देखिए। ये देखिए इस वीडियो पर ये जो छोटा सा सेक्शन बना हुआ है जहाँ पर मेरा कर्सर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर मैं बता दूं आपको कि 0 सेकेंड से 15 सेकेंड तक, बल्कि 16 सेकेंड 15 सेकेंड्स तक, 0 to 15 सेकेंड्स तक इनका कॉपीराइट आया हुआ है, क्योंकि इसमें इन्होंने एक म्यूजिक यूज कर लिया है, गाना यूज कर लिया है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे मेरे कर्सर की ओर तो जी म्यूजिक कंपनी का ये गाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इस पर करना क्या, इसको कि ये कैसे रिमूव किया जा सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि सेलेक्ट एक्शन लिखा हुआ है, सेलेक्ट एक्शन के ऊपर जो हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक मेन्यू ओपन होगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो उसमें देखिए तीन ऑप्शन हमें मिलेंगे कि ट्रिम आउट सेगमेंट, कि मतलब हम इस सेगमेंट को काट सकते हैं अपने मतलब वीडियो से ही हटा दें परमानेंट, या फिर हम रिप्लेस सॉन्ग, मतलब कि यहाँ पर जो सॉन्ग पड़ा हुआ है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे सॉन्ग के साथ जो कि कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। तीसरी चीज ऑप्शन जो आता है म्यूट सॉन्ग, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि सॉन्ग को म्यूट कर देते हैं, तो उन्हें सॉन्ग को म्यूट नहीं करना चाहिए, उस जगह पर कोई दूसरा टोन लगा दीजिए या रिंगटोन लगा दीजिए या कोई सॉन्ग लगा दीजिए जो कि कॉपीराइट फ्री होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर अभी मैं रिप्लेस सॉन्ग पर जाऊंगा, रिप्लेस सॉन्ग पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए मेरे सामने ये वीडियो ओपन हो गई है और ये कुछ कॉपीराइट फ्री ऑडियोज आ गए हैं, ये देखिए जहां पर मेरा कर्सर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा उस तरफ फ्रेंड्स, ये देखिए कुछ कॉपीराइट फ्री ऑडियोज आ गए हैं यहाँ पर, इसको जितना स्क्रॉल करते चले जाएंगे काफी ज्यादा ऑडियोज हैं, इसमें आप सुन करके जो भी आपको अच्छा लगे बेटर लगे उसे आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर रेड कलर का जो दिख रहा है, इतनी जगह पर ही खाली ये ऑडियो लगेगा, ऐसा नहीं कि अगर आप ऑडियो लगाएंगे तो पूरे उसमें वीडियो में आपके ऑडियो ही वाला लग जाएगा और आपकी आपने जितना कन्वर्सेशन किया है वो सब मिट जाएगा, मतलब डिलीट इरेज हो जाएगा। तो जहां पर ये मतलब गड़बड़ हुआ है उसी जगह पर ये ऑडियो फिक्स हो जाएगा। तो जैसे कि इसको देख लेते हैं, ये ऑडियो ठीक लग रहा है फ्रेंड्स, इसी को ऐड कर देते हैं, देखिए इसको ऐड किया मैंने, ये ऐड हो गया, लिखा हुआ एडजस्ट पोजीशन एंड लेंथ, कि मतलब अगर और ज्यादा आपको करना है और बढ़ा सकते हैं आप, तो हमें नहीं करना है, इसे यहीं तक करना है, तो इसे यहां पर रख करके क्लोज कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद ये देखिए लिख करके आया कि रेडी टू रिप्लेस सॉन्ग, दिस प्रोसेस माइट टेक अ वाइल,
वंस द ऑडियो क्लेम हैज बीन सक्सेसफुली रिप्लेस्ड वील अपडेट एनी व्यूइंग और मोनिटाइजेशन रिस्ट्रिक्शन, कि मतलब अगर ये जब ये ऑडियो क्लेम हट जाएगा पूरी तरीके से, तो जो भी मोनिटाइजेशन के रिस्ट्रिक्शन होते हैं, कि मतलब सब मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि अगर इस जिस वीडियो पर आपकी कॉपीराइट क्लेम आया है उस वीडियो से जनरेट होने वाली सारी रेवेन्यू उस ओनर के पास चली जाएगी जो कॉपीराइट ओनर होगा, या आप दोनों में शेयर हो जाएगी, तो उस चीज से आप बच जाएंगे। जब आप ये ऑडियो हटा देंगे तो आपका कॉपीराइट फ्री ऑडियो लग गया, तो उस वीडियो से जितनी भी रेवेन्यू जनरेट होगी वो पूरी पूरी आपको ही मिलेगी, किसी और के पास नहीं जाएगी। तो इसे हम सेव कर देंगे। फिर लिखा हुआ है यूजर्स विल कंटिन्यू टू सी द करंट वर्जन ऑफ योर वीडियो अंटिल द एडिट्स आर प्रोसेस्ड, कि मतलब जब तक ये प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक ये जो करंट वर्जन था, पुराना जो सॉन्ग लगा हुआ था, वही अभी यूजर्स को सुनाई दे, व्यूअर्स को सुनाई देगा, लेकिन ये है कि अभी कुछ देर बाद ये वाला सॉन्ग हट जाएगा। इसे सेव पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सेव हो चुका है। अब कुछ समय बाद अब जब फिर से मैं रीचेक करूंगा इसको, तो ये हट चुका होगा, अब इस पर से कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज आपको और दिखाना चाहता हूँ कि कॉपीराइट क्लेम से देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि नॉट अफेक्टेड, चैनल पर किसी भी तरीके का बैड इम्पैक्ट नहीं आया है। ये देखिए लिखा है चैनल इम्पैक्ट, तो इसमें लिखा है नॉट अफेक्टेड चैनल कंटेंट आईडी क्लेम ऑन योर वीडियो डज नॉट अफेक्ट योर चैनल, कि मतलब कि जो भी कॉपीराइट क्लेम आया है आपके वीडियो में उससे आपके चैनल के ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि कॉपीराइट स्ट्राइक अलग चीज होती है और कॉपीराइट क्लेम अलग चीज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तो मोनेटाइजेशन इनएलिजिबल है, आप देख ही सकते हैं, तो ये इस तरीके से रिमूव होता है। ये एक वीडियो को मैंने कर दिया है, दूसरी वीडियो का भी इसी तरीके से कर दूंगा। देखिए सी डिटेल्स में जैसे गए, इसमें भी नॉट अफेक्टेड दिखा रहा है चैनल पर। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 0 से 3 मिनट 2 सेकंड तक यहां पर सॉन्ग लगा हुआ है, कोई टोन लगी हुई है, ये लिखा हुआ है यहां पर, आप देखिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि यहाँ पर भी शो करता है कि किस चीज की वजह से आपका कॉपीराइट है, ये देखिए। तो जो भी मतलब अगर आपने कोई गाना यूज किया, कोई डायलॉग यूज किया है, या किसी मूवी की कोई क्लिप यूज करी है, तो वो यहाँ पर शो कर जाएगा, और यहाँ पर वो ड्यूरेशन शो करेगा कि कहाँ से कहाँ तक आपकी वीडियो में कॉपीराइट आया हुआ है, क्लेम आया हुआ है। ये देखिए, ये दिखा रहा है ना 0 से 3 मिनट 2 सेकंड तक, और यहाँ पर दिखा रहा है कि इन्होंने ट्यून यूज करी थी, ट्यून कोर की ऑन बिहाफ ऑफ फॉक्स इन ऑयल, ये इस नाम की एक ट्यून थी जिसके कॉपीराइट ओनर ने इनको कॉपीराइट क्लेम दिया है। फ्रेंड्स, एक्चुअली कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो ब्लॉग स्टार या पावर डायरेक्टर जैसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, और उसमें जो म्यूजिक या टोन होती है, टोन दी जाती है कंपनी मेड, तो उसी टोन को वो अपनी वीडियो में अटैच कर लेते हैं। तो ऐसा होता है कि वो टोन शायद मेरे ख्याल से कि कॉपीराइट फ्री नहीं होती है, जिस वजह से उनके वीडियोज में कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, कि अगर आप काइन मास्टर या फिल्मोरा या फिर यूट्यूब की जो पर्सनल ऑडियो लाइब्रेरी होती है, वहां से अगर आप कोई भी म्यूजिक या कोई भी टोन पिक करते हैं और उसे अपनी वीडियो में अटैच करते हैं, तो आपकी वीडियो में किसी तरीके का कोई भी कॉपीराइट क्लेम कभी भी नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो दिखा रहा है 0 सेकंड से 3 मिनट 2 सेकंड का, यहाँ पर फिर वही आप काम करना है, सिलेक्ट एक्शन पर जाना है। सिलेक्ट एक्शन पर जाने के बाद वही ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, इसमें 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, ट्रिम आउट सेगमेंट, रिप्लेस मेन्यू, रिप्लेस सॉन्ग और म्यूट सॉन्ग। तो हमें रिप्लेस सॉन्ग पर जाना है। फिर से रिप्लेस सॉन्ग पर जाने के बाद ये मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, कि अगर किसी से पहले बार छूट गया तो दोबारा देख करके वो इजीली समझ सकें। तो इसमें जाने के बाद देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है ना फ्रेंड्स, ये रेड कलर का सेगमेंट दिखा रहा है, सेक्शन दिखा रहा है, यहाँ तक हमारा कॉपीराइट क्लेम है। तो इसमें भी हम ये वाली टोन को ऐड कर देंगे, ये देखिए ऐड हो गई है सक्सेसफुली, यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। ये प्रोसेस हो जाने के बाद ये सक्सेसफुली ऐड हो जाती है, फिर इसके बाद हम इसको कर देंगे सेव, ये देखिए आ गया। अब इसको फिर से सेव कर देंगे अगेन, अभी सेव हो जाएगा फ्रेंड्स। तो थोड़ी देर बाद जब मैं इसको फिर से रीचेक करूंगा या रीलोड करूंगा इस पेज को, तो इसमें से कॉपीराइट क्लेम हट चुका होगा। फिर इन फ्यूचर ऐसे वीडियो से होने वाली जितनी भी रेवेन्यू जनरेट होगी उसका सारा का सारा पैसा यूट्यूबर के पास जाएगा, ना कि उस कॉपीराइट ओनर के पास। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छी चीज है ये कि इसमें चलिए ये सहूलियत मिली है सभी लोगों को कि इसमें कॉपीराइट क्लेम को खुद ब खुद हटाया जा सकता है, बल्कि ऐसा कॉपीराइट स्ट्राइक में ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यही एक तरीका है कि आप अपने कॉपीराइट, अपने वीडियो में आए हुए कॉपीराइट क्लेम्स को हटा सकते हैं और इजीली हटा सकते हैं। तो जो मैंने आज आपको ट्यूटोरियल बता दिया, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर एक केक वाला वीडियो था जिसमें मैंने कि पहले वाले में कॉपीराइट क्लेम हटाया था, लेकिन अब वो वीडियो इस लिस्ट से हट चुका है, यानी कि उस वीडियो से कॉपीराइट क्लेम हट चुका है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के सामने की चीज है, यहाँ पर 8 वीडियो थे, अब 7 ही बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 वीडियो बचे हुए हैं 8 वीडियो से, जब मैंने पहले वाला हटाया था ना केक वाला, तो उसमें से वो हट चुका है। तो ये
यहाँ इस लिस्ट से गायब हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कॉपीराइट क्लेम को हटाया जा सकता है अपने वीडियो से। इसमें कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है। हाँ बस भविष्य में कोशिश ये करनी चाहिए कि कॉपीराइट क्लेम आपके वीडियो पर ना आए, क्योंकि उस वीडियो से जनरेट होने वाली रेवेन्यू फिर कॉपीराइट ओनर के पास चली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं एंड करता हूँ। सो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सबने देखा कि किस तरीके से मेरे हबी ने जितने में कॉपीराइट आया था, मतलब जितने मिनट के लिए या जितने सेकंड के लिए, उस चीज़ को उन्होंने रिमूव कर दिया है। मतलब उसका जो सॉन्ग है वो उसको म्यूट कर दिया है। तो अब किसी भी तरीके की कॉपीराइट मेरे वीडियो में नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बस उसकी थोड़ी टेंशन थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि अब मैं क्या करूँगी, लेकिन फिलहाल वो ठीक हो चुका है। अब कोई भी कॉपीराइट नहीं है, बस अब मैं बहुत खुश हूँ, कोई भी कॉपीराइट नहीं है मेरे वीडियो में। और कोशिश करूँगी कि अब ना आए, और मैं कोई भी सॉन्ग्स यूज करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था स्टार्टिंग में कि सॉन्ग्स नहीं यूज करने हैं, और मैंने कई वीडियो में मैंने सॉन्ग यूज कर दिया, और उसी की वजह से मेरे वीडियो में कॉपीराइट आ गया। मतलब 8-8 वीडियो में, मामूली बात नहीं है 8-8 वीडियो में कॉपीराइट आना। मैं एक वीडियो में नहीं चाहती थी, यहाँ 8-8 वीडियो में कॉपीराइट आ रहा है, बताइए ज़रा। तो बस अब मैं वो गलती बिल्कुल नहीं करूँगी दोबारा। और तो फ्रेंड्स, अभी आपको मैं टाइम बता देती हूँ, इस समय बज रहे हैं रात के 1, मतलब 1 बज रहे हैं, क्योंकि मैं एडिट कर रही थी, और उसके बाद मैंने कहा चलो वीडियो पोस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं सोऊंगी। आई होप आप सबको आज का जो वीडियो है पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा, और लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।